एक ऐसी महिला जिसका विवाह मात्र 14 वर्ष की छोटी सी आयु में एक पुलिस कांस्टेबल से हो गया था और जो महज 18 साल में दो बच्चों की माँ भी बन गई थी। कभी खुद बाल विवाह की हुई थी शिकार, 14 साल की उम्र में हुई शादी, 18 साल में बनी माँ। जानिए IPS एन अंबिका की कहानी। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। 3 सितंबर 2022 को फिर से मीडिया में एक खबर चलना शुरू हो गई है, प्रसिद्ध खबर को प्रसिद्धि देना शुरू कर दिया गया है कि हमारी DCP श्रीमती एन अंबिका मैडम, जिनका 14 वर्ष की बाली उम्र में ब्याह हुआ और 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने दो नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद उनके पति को वरिष्ठों को सैल्यूट करते देख उनका जमीर जाग गया और उन्होंने जिद ठान ली कि अब वे IPS बनकर ही रहेंगी और उन्होंने अपनी जिद को पूरा किया। IPS में उनका सिलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र कैडर में उनका चयन हुआ और वे आज मुंबई में RPTS मरोल में कार्यरत हैं और उन्हें मुंबई का लेडी सिंगम कहा जाता है। इस तरह की प्रसिद्धि 3 सितंबर 2022 को फिर से सोशल मीडिया में घूमना चालू हो गई। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गणेश उत्सव के उपरांत ट्रांसफर्स संभवित हैं, क्योंकि जब जब ट्रांसफर या प्रमोशन संभवित होते हैं तब तब माननीय श्रीमती एन अंबिका जी के बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। यदि गूगल सर्च किया जाए और उसमें देखा जाए तो जब जब इस तरह के माहौल तैयार हुआ है तो उनके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गए थे, जिसकी एक छोटी सी यादी मैं आपको यहाँ पे पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि कब कब उनके सोशल मीडिया में इस तरह के 14 वर्ष के ब्याह के बारे में आया है और लेडी सिंगम के बारे में। 26 फरवरी 2019, 28 फरवरी 2019, 9 अगस्त 2020, 28 जनवरी 2021, 29 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021, 18 फरवरी 2021, 16 सितंबर 2021, 18 सितंबर 2021 और अब 3 सितंबर 2022। यानी कि वे सोशल मीडिया द्वारा शासन प्रशासन तक यह बात पहुंचाना चाहती हैं कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों को का सामना करते हुए, सामाजिक कुरीतियों की बलि चढ़ते हुए वे फिर भी हार न मानकर एक जिद के तहत वे एक IPS का एग्जाम क्वालिफाइड करती हैं और IPS बन जाती हैं तथा वे मुंबई शहर की लेडी सिंगम भी कही जाती हैं। यानी दो मुद्दे हैं, कि उनका निजी उनके ब्याह के संदर्भ में और दूसरा उनके लेडी सिंगम का। तो ब्याह के संदर्भ में जो अभी कुछ मैं वीडियोज आपको लास्ट में एंड में दूंगा, आप देखिए, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि उनका बाल विवाह हुआ है, उनके सामाजिक कुरीतियों की बलि चढ़ी है। तो ऐसे में अच्छा, और अगर आज के माहौल देखा जाए तो जिस तरह से 14 वर्ष की उम्र में, माने कोई 1200-1400 वर्ष पूर्व की बात नहीं है, अभी के हाल की बात है, 14 वर्ष की उम्र में उनकी जब सगाई शादी हुई, यानी वे नाबालिग थी, ऐसी परिस्थिति में उनकी सगाई होना और 18 साल के पहले उनके दो बच्चे हो जाना, यह पोस्को एक्ट के तहत भी वे विक्टिम हो जाती हैं। तो कृपया वे क्या खुद को न्याय दे पाएंगी, क्योंकि हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि का कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उनको समर्पित करना चाहूंगा। अन्याय सहते बैठे रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। फिर चाहे वे आपके माँ पिताजी कोई भी रहो जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को का आपको बलि किया, उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, ऐसी हमें अपेक्षा है। दूसरा, जो लेडी सिंगम के बारे में आपका उल्लेख होता है, इनका जो उल्लेख किया जाता है, प्रसिद्धि दी जाती है, हमारे पत्रकार बंधु अल्पकाल अवधि में बार बार उनको प्रसन्न करने के लिए लिखते रहते हैं, तो ऐसा कोई एक तो इंसिडेंट बताएं, क्योंकि मैं जब ये जोन 4 में थे इनके साथ में काम किया हूं और उस समय इनके ऊपर बाद में काफी आरोप प्रत्यारोप हुए कुछ अपराधों को लेकर कि इन्होंने लोगों को ठीक से न्याय नहीं दिया, कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की, उल्टा अपराधियों का इन्होंने साथ दिया, जिसके चलते जब महाराष्ट्र शासन ने इनके ऊपर कार्रवाई चालू की, इंक्वायरी चालू की, इंक्वायरी में उस समय के पुलिस महासंचालक स्तर के अधिकारी ने इनके विरुद्ध में 8/3/2021 को एक रिपोर्ट सादर गवर्नमेंट को की है, जिसके तहत इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय चौकशी
और प्रसंग में इनके कुछ प्रसंगों में इनके ऊपर अपराध दाखिल करने के लिए भी और इनका स्लैक सुपरविजन इस सब के बारे में उन्होंने रिपोर्ट भेजा हुआ है, जिसके चलते इनका जो सेंट्रल का डेपुटेशन था वो यह नहीं जा सकी। अब जब वे जोन फोर में थी तो उनके गुना जो गुना में उन्होंने अनियमितता बरती थी और लोगों को अपराधियों को साथ दिया था उसके बारे में यहाँ वर्णन करना चाहूंगा। सीआर नंबर 78/17 इंदिरा गांधी मार्केट 91 दुकान नंबर का ताबा लिया गया था। ताबा लेने वाले के विरुद्ध गुना दाखिल नहीं कर रही थी तो हाईकोर्ट ने फिर दखल देने के बाद गुना दाखिल हुआ और आज वो डकैत उस दुकान में है और जो मूल उसका मालिक है वो दुकान के बाहर है। रेलवे अपघात सीआर नंबर 113/11 जिसमें कि एक प्रवास यात्री रेलवे अपघात में मरण पा गया था, फेटल एक्सीडेंट था वो, उसके पेपर आज दिन तक कोई प्राप्त नहीं हुए और उसके बारे में आईटी एक्टिविस्ट समीर जवेरी जी ने काफी प्रयत्न किए उस केस को आगे बढ़ाने का, फॉलो किया, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी, आज दिन तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। वो आगे चलते हैं तो एडीआर क्रमांक नोन क्रमांक 00/17 इसमें साइन हॉस्पिटल में एक व्यक्ति कल्याण का था, वो आके वहाँ पे मृत हुआ था जिसके कागज पत्र आज भी नहीं प्राप्त हुए। बाद में इन्होंने उसके दूसरे कागज इलीगल वे से बनाकर और केस को रफा दफा किया। वहीं धनलक्ष्मी नाडर वड़ाला टीटी में रहने वाली एक महिला है जिसका घर का कब्जा गुंडों ने या बदमाशों ने लिया, उन्होंने उसका घर का कब्जा लिया गया उसके बावजूद उस पर ही गुना 155/16 के तहत दाखिल किया गया और रात्र के 2 बजे के करीब उस महिला को उसके घर से उठाकर लाते हैं, कोई महिला पुलिस नहीं जाती, सब पुरुष लोग जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं और उसे कस्टडी करते हैं। जामीन से जब बेल पर बेल आउट होती है, मैडम के पास जाती है तो मैडम इतनी गंदी अभद्र भाषा में उसे गालियां देती हैं, उसका अपमान करती हैं कि जो एक साधारण पुरुष भी इस तरह की गालियां नहीं दे सकता और उसको भी न्याय नहीं दे सकी। तो क्या इस तरह के इनका जो बर्ताव है यही सिंघम का बर्ताव है? माननीय अनंबिका जी आपसे विनंती है कि सर्वप्रथम तो जो आपके विरुद्ध नोटिस गई है, आपके विरुद्ध जो डीजी स्तर के अधिकारी ने जो रिपोर्ट सादर किया है उसको आप उस पर ध्यान दें, ना कि पोस्टिंग्स के बारे में ज्यादा पीछे पड़े और हो सके तो इस तरह की सस्ती प्रसिद्धि से बचें। और आगे तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आप खुद समझदार हैं। मैं यहीं पर अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कभी खुद बाल विवाह की हुई थी शिकार। 14 साल की उम्र में हुई शादी, 18 साल में बनी माँ। जानिए IPS N अंबिका की कहानी।